हमीरपुर के वार्ड नंबर 1 के वन विभाग द्वारा करतार चंद के रिहायशी मकान को गिराए जाने के बाद आसमान तले जीवन बसर करने पर स्थानीय लोगों के साथ साथ समाज सेवी लोग भी करतार चंद के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गरीब परिवार के लिए सरकार को जल्द घर मुहैया करवाना चाहिए, क्योंकि यूं तो सरकार बेघरों को घर देने के दावे करती है। लोगों का कहना है कि गलती सरकार की है और सरकार को चाहिए कि गरीबों की मदद करनी चाहिए और इतने समय से मकान में रह रहे गरीब परिवार को बेघर नहीं करना चाहिए था, साथ ही करतार चंद को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। समाज सेवी राजकुमार का कहना है कि सरकार इस तरह के लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीब आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है, लेकिन ऐसा उसे नहीं करना चाहिए और सरकार से अनुरोध है कि पक्का ठिकाना जल्द दिया जाए। देखो, जैसे बड़े दुख की बात है कि ये जो सारा हो रहा है, जो पिछली सरकारें हैं उन्होंने भी इसको अनदेखा किया, तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि उसको 2-3 मरले की जमीन देके, ऐसे भी तो गवर्नमेंट मंत्रियों को या उसको जमीन के पट्टे दे रही है, तो उस गरीब को भी ये जमीन अलॉट करके उसका मकान रहने के लिए बना के दे, बस यही कहना चाहता। ये तो हम सभी के लिए बड़ी दुख की बात है। जो करतार चंद जी हैं, वार्ड नंबर 1 में रह रहे हैं अणु में, वो झुंगी झोपड़ी में रह रहे हैं। पहले उनका मकान था वहां पे, जो कि सरकार ने जो है उखड़वा दिया है वहां से, क्योंकि वो एक फॉरेस्ट की जमीन निकली थी वहां पे, गवर्नमेंट लैंड। मेरा ये सवाल है कि जब इंदिरा गांधी के समय लोगों को अलॉटमेंटें हुई थी, पूरे भारत में अलॉटमेंटें हुई थी, तो एक बंदे के लिए आज के टाइम में, आज के समय में उस बंदे के लिए 4 या 5 मरला जो है वो मकान के लिए जगह क्यों नहीं मिल रही है? आज तक वो बंदा बेघर होके बाहर बैठा हुआ है, बरसात हो रही है, नुकसान हो रहा है बंदे का, झोंपड़ी में रह रहा है, उसने अपने बच्चों की शादी वहां से की है, वहां से आज वो 65 साल का हो चुका है बुजुर्ग है। और इस समय में सरकार को सोचना चाहिए कि उसका कैसे जो है वो प्रावधान किया जा सके, क्योंकि ये आत्महत्या का भी उन्होंने, मैंने अभी फेसबुक पे सुना है कि वो आत्महत्या के बारे में बोल रहे थे कि हम आत्महत्या कर लेंगे, तो इससे बड़ी और इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती, शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती हमारी सरकार के लिए, हमारे देश के लिए। देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को जो है वो इस तरह के केस जो है वो अपने लेवल पे हैंडल करना चाहिए, और इस तरह के गरीब जो लोग हैं बेचारे, देखो मैं आपका इंटरव्यू, उसका इंटरव्यू जो है मैं देख रहा था, तो उस गरीब ने आत्महत्या करने तक की जो है वो धमकी दे दी है, तो मेरे हिसाब से आत्महत्या उसको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट भी उसको काफ़ी जा रहा है मीडियम के माध्यम से, तो सरकार के से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि उस गरीब को आत्महत्या की तरफ उकसा करके, ना उकसा करके उसको जो है वो एक जगह कहीं पर ठिकाना दिया जाए, क्योंकि सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो बेघरों को घर देने की स्कीम्स जो हैं काफ़ी अच्छी चला रखी हैं मोदी सरकार ने भी या दूसरी सरकार ने, गरीब यहाँ पे हमारी जो अपनी सरकार है उनसे मैं ये अनुरोध करता हूँ कि उस गरीब को बेचारे को कहीं पे जो है वो थोड़ी सी जगह दे दी जाए, ताकि वो अपना घर जो है परिवार के साथ जो है अपना घर चला सके। देखो जी, गलती तो इसमें सरकार की है, सरकार को चाहिए जो बेघर उजाड़ा उसका घर, तो उसको घर प्रोवाइड करवाना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों के बारे में सोचना चाहिए सरकार को। उनको उसके घर जाके पहले ये पूछना चाहिए था कि भाई तेरे को रहते यहाँ टाइम हो गया, तेरे को हम ये घर नहीं उजाड़ने देंगे, हम तेरी हर जो सुविधा है उसमें हम तेरे सहयोग देंगे। अब जैसे आपने बताया कि वो आत्महत्या करने जा रहा है, तो आत्महत्या क्यों करे वो भारत का एक नागरिक है, उसको सारे, जब अमीरों के लिए सरकार सारी सुविधाएं प्रदान कर रही है तो गरीबों के साथ ऐसा न्याय क्यों? देखिए, हम इस बारे में बोलना चाहेंगे कि सरकार को जो है, हमारी जितनी भी आज तक सरकारें आई है उन्होंने जो है वो गरीबों के हित में काम किया है, तो एक गरीब को इतना नीचे नहीं गिरने देना चाहिए कि उसे आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़े। तो इस तरह से जो है वो हम, जो हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए कि गरीबों के हित में काम करना है, तो एक गरीब के लिए क्या सरकार, अगर वो सरकारी लैंड में रह रहा है, अगर वो सरकारी जमीन में रह रहा है, तो सरकार उसके लिए क्या, तो दो मरला जमीन नहीं प्रोवाइड करवा सकती उसके आशियाना बनाने के लिए? वहीं हमीरपुर वन विभाग की DFO प्रीति भंडारी ने इस मामले पर अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि 40 केस अतिक्रमण के हैं और इनमें से 37 केसों में कब्जा वन विभाग ने ले लिया है और 3 लोग हाईकोर्ट में अपील में हैं। उन्होंने कहा कि जब भी अतिक्रमण का केस ध्यान में आता है तो साथ ही साथ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। बट वही चक्कर है कि मतलब वी डोंट हैव एनी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी इन प्लेस एज ऑन टुडे,
तो इसलिए उसके बारे में लेट मी इंक्वायर की है क्या उसमें बंदे का केस है क्या, ये मैं चेक कर लूंगी ना अपने रिकॉर्ड से निकाल।